सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 300 रुपये बचाए, तो हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे 300 रुपये बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पर लेके आ चुका हूँ और यहाँ मैं जैसे ही सर्च करता हूँ 5mm शाफ्ट कनेक्टर, तो यहाँ हमें 2 शाफ्ट कनेक्टर दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी शाफ्ट कनेक्टर को घर पर बनाने वाले हैं और अपने पूरे 300 रुपये बचाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस शाफ्ट कनेक्टर को बनाने के लिए मैंने यह कुकर का सेफ्टी वाल्व ले लिया फ्रेंड्स। यह मुझे ऑफलाइन मार्केट में 10 रुपये का मिला, या आपको आपकी 10 रुपये या 20 रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, अब इसे हम 775 DC मोटर में फंसाते हैं तो ऐसा लगता है कि यह सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स इस वाल्व में एक छोटा सा होल है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर लगा इस वाइसर को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे प्लायर की मदद से इस प्रकार से पकड़ लेंगे और इसे लाइटर से नीचे से हीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ देर हीट करने के बाद इसके नीचे लगा हुआ मेटल का टुकड़ा हुआ, उसे हम दबा कर निकाल लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यह निकल चुका है और अब यह हमारा 5mm का होल पूरी तरह से बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी मोटर के अंदर काफ़ी अच्छे से फिक्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से हम मोटर के लिए बॉडी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं यह पाइप PVC पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैंने कबाड़ से लिया है। आप इसे नया या पुराना कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जा रहा है। फ्रेंड्स, PVC शीट का यूज़ करके मैंने इसके लिए एक कवर बना लिया है ताकि आपका समय बचे। फ्रेंड्स, अब इसे नट लगाकर हम यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे और इसे यहाँ पर इस प्रकार से डालकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे फिक्स कर लिया है। अब हमें एक PVC पाइप ले लेना है। इसे फ्रेंड्स मैंने इसमें स्विच और इसमें इस प्रकार से फिक्स हो जाए, इसलिए इसे मैंने पहले ही कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें स्विच लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें स्विच की वायरिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, यह स्विच की वायरिंग काफ़ी आसान है। एक वायर को कट करके हम स्विच के साथ लगा देंगे और इसे नीचे से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें स्विच की वायरिंग करके इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। फ्रेंड्स, अब इसमें से हमें 2 मोटर के वायर मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हम इसे मोटर को सप्लाई देंगे और इसे भी मैं यहाँ पर इन दोनों तार के साथ इस प्रकार से जोड़ देता हूँ और इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसे कनेक्ट करने के बाद इसे भी हम यहाँ पर सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बन चुका है। अब इसके मोटर के शाफ्ट में हम इस नट को लगाते हैं तो देखिए थोड़ा ढीला हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इस प्रकार से एक छोटी सी कॉपर वायर का टुकड़ा लेंगे और इसे इसमें डालकर इस प्रकार से यहाँ पर इसे अच्छे से ठोक देंगे। फ्रेंड्स, यह हमारा काफ़ी अच्छे से ठोकना चाहिए जिससे यह ढीला ना हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से ठोक दिया है। अब इसके ऊपर का लगा हमें इस वाशर को लगा देना है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर लूँगा एक एंगल ग्राइंडर चक। फ्रेंड्स, यह मुझे ऑफलाइन मार्केट में 15 रुपये का मिला है। अब इसे भी मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाकर इसके ऊपर लगा हुआ इस नट को अच्छे से टाइट कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस नट को हमें काफ़ी अच्छे से टाइट करना है, यार लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे हमें खतरा हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे काफ़ी अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यह हमारा पूरी तरह से एंगल ग्राइंडर बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जल्दी से कर लेते हैं टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप 12 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ऑन करते ही कितने अच्छे से घूम रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इससे आपको कुछ चीज़ें कट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सबसे पहले आपको PVC पाइप कट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा PVC पाइप को कितने अच्छे से कट कर दे रहा है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप PVC पाइप को तो ईजिली काट सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इससे मेटल कट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेटल ले लिया है और इसमें धार भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसका यूज़ करके। और अब मैं इसे आपको एक बार कट करके दिखाता हूँ, क्या देखते हैं इसे काट पाता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे काफ़ी धीरे धीरे काट रहा है पर कट कर दे रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी देर लगेगा इसे कट करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप किसी भी नुकीली चीज़ में धार लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।